इन साथियों, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जो है ना आए दिन छोटी छोटी जो है ना सेटिंग है या कुछ जो है ना मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ बातें हैं, इन चीजों के जानकारी नहीं होने की वजह से लोगों को बड़ी बड़ी जो है ना समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बड़े दूर दराज से आना पड़ता है और टाइम भी बर्बाद होता है और जो है ना पैसे भी बर्बाद होते हैं। तो अभी चलिए सबसे पहले भाई का शुभ नाम क्या हुआ श्रीमान आपका? जोर से बोलिए, वीडियो को पूरे भारत देखने वाली है। अंकुश कुमार। अंकुश कुमार आपका नाम हुआ, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था? जोर से बोले, इसमें विंडोज आपका 10 था पहले से ना? पहले 11 था। पहले 11 था, ऑटोमेटिक आ गया था। क्या आ गया था इसमें? पहले हम 2 दिन पहले विंडोज क्रैश हो गया था, इसको विंडोज 10 डलवाए थे, फिर ऑटोमेटिक इसमें विंडोज 11 आ गया था। यानी कि इन्होंने 2 दिन पहले इसमें विंडोज का नया दिखाओ इधर नहीं पेगा विंडोज, इन्होंने इसमें पहले 2 दिन पहले डलवाया था विंडोज 10 है ना, ऑटोमेटिक इनका विंडोज क्या हो गया 11 हो गया, यही बताना चाह रहा है ना। देखिए ऐसा हो सकता है, चूंकि देखिए जानकारी के अभाव में लोगों को दिक्कत होती है। सिस्टम में क्या होता है, अपडेट ऑटोमेटिक पहले से प्रीट में जो है ना अपडेट ऑन रहता है, और वो जब जब भी नया अपडेट आता है विंडोज का या कोई भी और उसका जो है ना अपडेट आता है तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होने लगता है। इन चीजों की वजह कर कभी कभी लोगों को ये समस्याएं भी होती है कि विंडोज अगर अधूरा अपडेट रहा तो ना इधर का रहा ना उधर का विंडोज भी नहीं खुलता। तो इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए अब उनको क्या लगता है, मेरा लैपटॉप भी नहीं चल रहा, मेरा लैपटॉप भी नहीं खुल रहा। हालांकि ये छोटी समस्या नहीं बल्कि ये छोटी जानकारी है, जानकारी के अभाव में लोगों को दिक्कत होती है। तो चलिए हम लोग विंडोज को अपडेट हमारा ऑटोमेटिक नहीं ले और नहीं हो, है ना, जब हमारा मन करेगा तब करेंगे। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए हम जो सेटिंग दिखाना चाहते हैं विंडोज अपडेट को ऑफ कैसे करते हैं, उससे पहले हम लोग जो है ना ये टूल बार में जाते हैं और यहाँ सर्च करते हैं सर्विस। देखिए जैसे हम लोग 3 ही अब लेटर लिखे हैं, जूम करके दिखाएंगे हमारे नजदीक, जूम करके देखेंगे सर्विस लिखे तो अपने आप आ गया है सर्विस। अब सर्विस में हम लोग क्या करते हैं, इंटर कर देते हैं, सर्विस खुल जाएगा। ये पूरे सिस्टम की सर्विस है इसके अंदर, तो हर तरह की सर्विस। हमें क्या करना है, विंडोज अपडेट जो है ना वो ऑफ करना है। विंडोज आता है W से, तो वो इसमें जो है ना देखिए इस हम लोग वर्टिकल बार को पकड़ के नीचे ले जाना, चूंकि अल्फाबेट में W सबसे नीचे आता है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है विंडोज अपडेट है ना, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और देखिए इसको क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। स्टॉप का मतलब ये होता है कि बंद करना है, तो अभी यह बंद हो रहा है, विंडोज अपडेट ऑफ हो गया। जब ऑफ हो जाएगा तो हमें वो स्टॉप वाला हाईलाइट नहीं दिख करके स्टार्ट वाला दिखेगा, अभी ये ऑफ हो गया। एक और छोटी सेटिंग करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और जाने के बाद यहाँ मैनुअल में जाने के बाद देखिए इसको डिसेबल कर देना है, अब ये विंडोज अपडेट आपका नहीं होगा, है ना। और ऐसी चीजों से आपको क्या है कि जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप बचे रहेंगे। तो चलिए भाई जो है ना आपका ये विंडोज जो है ना हमने पूरा 10 भी डाल दिया और जो है ना इसके सेटिंग को ऑफ कर दिया, तो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं रहेगा। तो कैसा लगा ऐसी जानकारी आपको? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, आपका काम भी हो गया, है ना। चलिए ऐसी जानकारी को पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं ताकि हर भारतीय लाभान्वित हो सके। जय हिंद जय भारत।